उनको भी पीना देख तो। भैया नमस्ते दीदी, कैसे हैं आप? मस्ती कोरी चल रही है। तो क्या हो रहा है कि गीत का नए स्कूल के एडमिशन के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन है, कौन से स्कूल में पढ़ा है, LKG रिपीट करा है। तो दोस्तों हमने रूटीन बना लिया है, हम डेली आते हैं। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। दोस्तों मैं ये न्यू बेडशीट्स लाई थी क्योंकि हमारे पास एक ही बेडशीट अवेलेबल थी, उसी को वॉश करके बिछा रही थी। तो मैं ये लगा ही रही थी कि ये दोनों आ गए और ऑलरेडी इसको ना टाइक मतलब से लगाना स्टक करना बड़ा मुश्किल है। मैंने ये 3x6 को थोड़ा कटवा के और 6x6 का ये जो बेड है इन दोनों को ज्वाइन कराया था कि हम पांचों मेंबर्स एक साथ सोएंगे। लेकिन नहीं, मालवीय जी बाहर ही सोते हैं और गीत की तबीयत खराब है तो अभी गीत भी बाहर सो रही, क्योंकि ये तीनों लड़ते थे मेरे पास सोने के लिए। मैं ऐसे में सोती हूँ यहाँ पे और अब देखो मैं लगा रही थी, मुझे लगाने भी नहीं दिया और ये लोग आ गए। गुंडागर्दी तो ऐसे शुरू हो जाती है सुबह सुबह ही। मैंने सोचा बाहर है तो मैं यहाँ काम कर लूँ। दीदी गीत बैठ कहाँ सोती, गीत भी बाहर सोने लगी। बेड पे सोएगी। हाँ। ये देखो यार ये लगता नहीं है और ये लोग मीट नीचे उतरो, नीचे उतरो, मामा काम करने दो। नमस्कार, अभी अभी हम जा रहे हैं गीत को लेके। कहाँ जा रहे हैं? फिर ऑफिस बाद में आएंगे, पहले हम गीत को लेके जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ से गीत। पापा, हाँ? बाइक से जाना की कार से? बाइक से। पर बेटा धूप बहुत है, जरा सी बाइक अगर पार्किंग में खड़ी करते हैं ना जैसे गौशाला जाते हैं तो इतनी गर्म हो जाती है वो, फिर इसको लगती है गर्म। चलो बाइक से चलते हैं, आपका मन है तो बाइक से चलें, हमें तो अच्छा है, ट्रैफिक में फटाफट चले जाएंगे, फिर वापस जाना है हमको ऑफिस। चलो दोस्तों, अभी हम गए थे गीत को एक स्कूल। गीत क्या मिला आपको? तो क्या हो रहा है कि गीत का नए स्कूल के एडमिशन के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं। रचना भी आना चाह रही थी मगर नहीं आ पाई क्योंकि बच्चे हैं साथ में और फिर वो जो बर्तन वाली दीदी आती है वो नहीं आ पाती हैं। तो अभी एक स्कूल गए थे और एक स्कूल जा रहे हैं, देखते हैं क्या हो रहा है कि LKG रिपीट कराएं या UKG में शिफ्ट करें। हम चाह रहे हैं कि स्कूल को डिसीजन लें, हम नहीं लें, तो इसलिए अभी एक स्कूल और जा रहे हैं और फिर उसके बाद फिर आपको बताते हैं घर चले के कि क्या हो रहा है। चलेगी? कहाँ पे? इधर देखो क्या है आपके हाथ में। ये तुझे ये मिला है। दोस्तों एक और स्कूल आए, देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। यार दोस्तों एक और स्कूल आए, देखते हैं क्या कहती है मैडम। गीत बड़ा कन्फ्यूज है कौन से स्कूल आए। वो वाली बिल्डिंग उसको अच्छी लग रही थी, स्कूल प्ले स्कूल का एरिया अच्छा था उसका खेलने वाला। दोस्तों गीत और मालवीय जी तो चले गए हैं जैसा कि आपने देखा और अभी तक आप लोगों ने कमेंट करके बताया नहीं कि बच्चों के बर्थडे पे क्या करना है। तो आप लोगों ने देखा ही है बच्चों के होने के बाद या कोई भी नई चेंजेस आते हैं लाइफ में तो सबसे पहले हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो फाइनेंसेस को मैनेज करना, बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम अपने जो खर्चे हैं उसको एक्स्ट्रा खर्चे कह सकते हैं। एक्स्ट्रा खर्चे को कैसे मैनेज करते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। हम यूज़ करते हैं रमी मार्स ऐप जिसके थ्रू हमारे जो भी एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उसे हम मैनेज करते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको कि रमी मार्स ऐप को कैसे आप भी यूज़ कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐप में रजिस्टर करते ही आपको 45 रुपीज़ का बोनस मिलेगा। इसके बाद आप रिचार्ज कर सकते हैं 50 रुपीज़ से। देखिए यहाँ कितने सारे गेम्स अवेलेबल है और कितने सारे लोग इसे खेल रहे हैं। इन सभी गेम्स में से चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फेवरेट गेम जो है लकी फ्रूट। मुझे ये गेम बहुत पसंद है। इसे खेलने में देखिए आपको सिर्फ स्पिन करना होता है। इस तरीके से स्पिन किया और देखिए 3 वाइल्ड आ गए तो मैं विन कर गई हूँ। और इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो दो स्कूल हो गए दोस्तों, दरअसल के रचना से डिस्कस करते हैं कि और भी स्कूल जाना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। यही सबसे बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि स्कूल कौन से लें, कब लें। चलो तो जय माता दी। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा महसूस हुआ कि हमारे घर में नेगेटिविटी आ गई, तो मुझे किसी भी हालत में अपने घर से नेगेटिविटी कह लीजिए या मुझे फील हो रहा है कि किसी ने कुछ गलत किया है, अब आप क्या कहेंगे, पर हाँ बहुत अति हो गई थी हमारी मुसीबतों की। हर चीज़ हम वीडियो में नहीं भी बताते थे, बहुत सी चीज़ें फील होने लगी। तो अब मैं वो हर एक कोशिश, हम पूरा परिवार हर वो चीज़ कर रहा है जो जिससे हमारे घर से बुरी चीज़ें चली जाएं। ये अगर आपने सुना हो सेज, ये मैंने मंगवाया था, इससे मैं पूरे घर में धुआं कर रही हूँ।
कपूर तो सुबह शाम जलाना ही चाहिए, हम इसलिए आरती में जलाते हैं, लेकिन आप मानेंगे नहीं, पिछले 1-1.5 साल से घर में सही तरीके से पूजा भी नहीं हो पा रही थी। ये ना हो पाना बहुत बड़ी बात है। हम मानते हैं कि हमारे घर में दिया सुबह शाम अच्छे से जलना चाहिए, पर मेरी तबीयत की वजह से कुछ ना कुछ रोक टोक आ ही रही थी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आप लोग ने भी सजेशन दिए, चाहे पीली सरसों हो, अरे गुल ये बच्चे आ ही जाते हैं, लौंग, कपूर से जो भी हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। डेली मंदिर जा रहे हैं, मुझे कैसे भी करके मेरे परिवार को बचाना है। बस मैं आपको बता भी नहीं सकती कितना कैसा कैसा पहले मैंने फील किया है, और अब इतनी मुसीबतें आ गई, मालविया जी का बिहेवियर किस तरीके से बदला है, आप लोग जो वीडियो में देख रहे हो वो भी आप नहीं जानते हैं बहुत ज़्यादा, खासकर उनके ऊपर तो बहुत नेगेटिव। मुझे नहीं पता लोग ऐसा क्यों करते हैं, बस दुख इस बात का होता है कि मैं तो हम सबको माफ़ करते जा रहे हैं, पर जो बुरे लोग होते हैं, पर मेरी तरफ से किसी के लिए कुछ नहीं, मुझे सिर्फ मेरे घर का ऑरा बढ़ाना है, मेरे घर को अच्छा करना है, बस। घर आ गए और घर आके हमको मिला आज खाने में मोर धन, हल्की बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। आज रचना को मैंने रिक्वेस्ट की थी रचना मोर धन बनाने जैसे पहले बनाया था, तो ये मोर धन एंजॉय करते हैं और फिर जाते हैं वापस ऑफिस। तो अभी क्या हुआ, गीत के स्कूल में कौन सा डिसीजन लिया है अभी और आपको बताते हैं, पहले खाना खा लें। ये दोनों बहुत परेशान कर रहे हैं सच में दोस्तों, बहुत परेशान होने लगे हैं अब तो दोस्तों। रचना को और बता दें और आपको भी बता दें कि आज दो स्कूल गए हैं और भी स्कूल जाएंगे, अभी फाइनल नहीं हो पाया, बहुत सारी कंफ्यूजन है कौन से स्कूल में पढ़ा है, LKG रिपीट करा है, क्योंकि जैसे हम आज दो स्कूल में गए वहाँ पे सबसे पहले पूछा कौन से जन्म है, कितने ईयर की है, तो 4.5 ईयर की है गीत और सितंबर 5 साल की हो जाएगी, उस हिसाब से LKG में ही लेंगे एडमिशन। मैंने मालविया जी को कहा था कि जब फर्स्ट में हम जाएंगे तो इसको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है कि 6 साल से पहले फर्स्ट में एडमिशन नहीं मिलेगा। स्ट्रिक्ट इसलिए है कि नया एजुकेशन पॉलिसी के नए नियम आए हैं और बच्चों पर ज्यादा बोझ न डाला जाए इसलिए है, मगर जो अभी पढ़ाई हो रही है गीत की उसमें तो ऐसा लग रहा है कि बच्चों पे बोझ बहुत डाला जा, बहुत ही ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है, क्योंकि होमवर्क तो देना चलो ठीक है, पर पढ़ाई में, क्योंकि एक स्कूल में गए उनका सिलेबस कहते हैं जो अभी गीत पढ़ रही है वो UKG की पढ़ाई है, LKG की नहीं है। एक स्कूल में तो उन्होंने अभी सिलेबस बताया नहीं, उन्हें कहा था पहले फॉर्म भरो, कुछ बच्चे के डॉक्यूमेंट लेके आओ, फिर टेस्ट लेंगे और फिर स्कूल में आपको मतलब इंक्वायरी सेक्शन से जाने दिया, आने दिया हमको वापस। एक स्कूल ने तो प्राइमरी सेक्शन की जो अच्छा भी लगा हो, तो मगर हम स्कूल का नाम वगैरह या वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उससे दो चीज़ होंगे, एक तो सिक्योरिटी जो गीत है स्कूल जाएगी बच्ची है, दूसरा ये होगा कि स्कूल के नाम से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा स्टेटस पता चले कि अच्छा स्कूल है कि बुरा स्कूल है, आप कितने, क्योंकि आजकल ऐसा होने लगा है कि स्टेटस क्या होता है जब बच्चे, क्योंकि मेरे दोस्त बता रहा था कि जब हम जाते हैं बच्चों को छोड़ने, मेरी वाइफ या मैं जाती तो दूसरा स्कूल ही स्कूल में बस आती है, अच्छा इनका तो ये स्कूल है, तो वो एक होता है कि यार ये स्टेटस की बात भी होने लगी, अगर हो सकता है आप लोग एग्री करें इस बातों से कि उसका बच्चा तो इस स्कूल में पढ़ता है, अच्छा खूब पैसे इनके पास, तो वैसा ना हो पढ़ाई एजुकेशन। मैं तो गीत के लिए KV का ट्राई कर रही थी, पहले मुझे नहीं पता था कि KV का प्री स्कूल भी होता है बालवाटिका, हर जगह नहीं, इंदौर में नहीं है, एक जगह IIT इंदौर वाले में बोल रहे थे कोई है, मैंने ट्राई किया पर वैकेंसी नहीं है LKG के लिए, और नर्सरी उसको मिलेगा नहीं, नर्सरी वो पढ़ चुकी है, उसके एज के अकॉर्डिंग नर्सरी में नहीं डाल सकते, उसको LKG में ही डालना है, UKG में भी नहीं डाल सकते, फिर फर्स्ट में जब जाएगी तब ट्राई कर लेंगे, पर उम्मीद कम है क्योंकि हम दोनों में से कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई होना चाहिए, KV के स्कूल होना चाहिए, तो बहुत से RK बहुत अच्छे स्कूल हैं, फीस वाली बात नहीं, कम फीस वाले बहुत अच्छे, RR कैट करके कोई सा है एटॉमिक वाला, मैंने ऐसे स्कूलों में मैं गीत को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन मैंने पता किया तो वही है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई प्रेफरेंस उनको ज्यादा मिलती है, प्रेफरेंस नहीं वहाँ एटॉमिक वाले में, तो वही है पहले एटॉमिक एनर्जी वाले एम्प्लॉयज को, उसके बाद पब्लिक सेक्टर वालों को, प्राइवेट के लिए है ही नहीं। मोदी जी इससे अच्छा है कुछ अच्छा करिए, मैं प्राइवेट नहीं तो राहुल गांधी को वोट दे दूंगा। राहुल गांधी ने अभी प्रॉमिस किया कि 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन गवर्नमेंट जॉब के में, मेरे यहाँ तो फीमेल जाना है, देख लो मोदी जी ये वीडियो आप तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो हाँ राहुल गांधी को PM बना दूंगा, मेरे देश जाए जेल, देश जाए तेल लेने, अरे मजाक कर रहे हैं भाई, मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये कौन से स्कूल में जाओगे? KG1 नहीं, अभी आप स्कूल घूम के आए ना दो, तो कौन से स्कूल जाओगे, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? फर्स्ट ही पसंद आया था क्योंकि उन्होंने जाने दिया था प्ले स्कूल में घूम के, हालांकि वो क्लासेस कहीं और लगेगी उनकी,
चलो दोस्तों और विचार करते हैं, कल और ट्राई करते हैं, क्योंकि गीत का पुराना जो स्कूल है वो 3 तारीख से शुरू होगा, तो उसको वापस से कंटिन्यू उसी स्कूल में कराएं। और अगर आसपास वालों को देखें तो कई लोगों ने पहले ही नर्सरी, जैसे हमने भी गीत को किंडरगार्टन नर्सरी में डाला, लोग बड़े बड़े स्कूलों में डाल देते हैं जहाँ ऑलरेडी नर्सरी की भी फीस 50,000 है, KG1 KG2 तक 50,000 है, फिर 1,00,000 होती। तो मुझे तो यही लगता था कि 50,000 रुपये किंडरगार्टन में देना तो कोई सेंस नहीं है, तो इसलिए मैंने इतने किसी पहले स्कूल में डाला। और अभी भी मैं नहीं फेवर में हूँ कि नहीं 50,000-60,000 रुपए नहीं बर्बाद कर सकते। चलो अभी तो किंडरगार्टन, सही बात है, बच्चे भी खेलने कूदने जाते। चलो और बाद में बात करते हैं, शाम को मैं ऑफिस आऊंगा तब हम और जाएंगे और आपसे और बात करते हैं। लाते हैं हमारे लिए काफी चुनौती है इस अप्रैल महीने में, क्योंकि हमारे बच्चों का बर्थडे, तो चुनौती की बात इसलिए है कि क्या स्पेशल करें। हर बार हम सलाह मिडिल क्लास ही सोचता रहता है क्या स्पेशल करें, और कुछ तो करना चाहिए ना बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बड़ों के बोलेंगे पहले बर्थडे की कोई फोटो ही नहीं है, गीत की तो फिर भी है, जैसा तैसा हो गया था, अब इस समय समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और एक समस्या और है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। भैया नमस्ते दीदी, कैसे हैं आप? मस्ती कोरी चल रही है। तो दोस्तों अभी हम निकलने वाले हैं, गीत को प्यार हो रहा है तो इनमें जेलेसी शुरू हो गई। मीत देखो कौन है गोदी में, मम्मी की गोदी में। अरे मत बुलाओ, वो बिल्कुल किसी को नहीं रहने देती, वो न मीत को न रीत को, गीत को। अभी तो दोनों बड़ी मुश्किल से खेल रहे हैं, तो इसलिए नहीं तो खेलती नहीं है, मम्मी से चिपकी रहती है जब भी मैं देखता हूँ। ऐसा नहीं है, खेलती है वो कोई और मेरे पास नहीं आना चाहिए। ये छुड़ा लिया उसका, वहाँ ढूंढ के आई मगर छुड़ाया इसके, बहुत लड़ाई होती है दोनों में। ये कहीं जाते हैं ना रीत, खासकर बहुत खुश होती है। नमस्कार रीत, बहुत खुश होती है, देखो कितना चिल्ला रहा हूँ, आज बहुत तेज हवा चल रही है, मौसम बदल गया लगता है कहीं ना कहीं। तो अभी हम आए हैं मंदिर, क्योंकि गौशाला हम रोज आ रहे हैं, आज सुबह नहीं आ पाए थे क्योंकि मेरा ऑफिस था, तो शाम को आ गए। यहाँ आके काफ़ी पॉजिटिविटी फील हो रही है, एक पॉजिटिव और क्रिएट करना चाह रहे हैं। चलो अब और बताते हैं, मंदिर में आके बड़ा अच्छा तो लगता है हर जगह। हाँ रीत, जय जय कर लो। हाँ बहुत बातें करने लगी दोनों। गीत जीजे कर रहे हैं, देखो कैसे देख रहे हैं। जीजे क्या कर रहे हैं, जीजे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मी जीजे कर रहे हो आप? जीजे कर रहे हैं। तो दोस्तों यह है पूरा मंदिर, यहाँ पे देखिए हवन वगैरह होते हैं। तो दोस्तों हमने रूटीन बना लिया है, हम डेली आते हैं, गीत और माला जी दोनों सुबह आ रहे थे तो मैं नहीं आ पा रही थी, तो हम रात में आते हैं, गर्मी आ गई है, अच्छा है, पॉजिटिविटी मिल रही है और गीत का भी घूमना हो जाता है। अब तो गर्मी आ गई तो रोज आना चाहिए, एक वॉक भी हो जाती है। अभी हम जा रहे हैं गौशाला की तरफ, मंदिर से गौशाला कनेक्टेड ही है, यहाँ सब मंदिर में बच्चों की पढ़ाई भी होती है, पंडित बनते बच्चे। ये देखिए अच्छी कितनी अच्छी ग्रीनरी है, मजा आता है यहाँ तो। क्या तो गन्ने के जूस की हो रही है पार्टी। हाँ भाई साहब, 3 आ गया, गीत भी आप भी पियोगे? अच्छे से पकड़ो। हाँ वेरी गुड, देखो उनको भी पीना, देख तो बेटा आज हल्का सा बर्फ डाला अंकल ने। बर्फ नहीं, दिन होता तो पिला देते हैं। गर्मी भी नहीं आई कि इनको गन्ने का जूस पिला दो, दिन पिलाया था मजा आ गया। दोस्तों इस चीज में थोड़ी कमी गलती कोई होता है मगर ठीक है, इसका मजा अलग है जब बहुत बड़े होंगे बच्चे, कि देखो आप जूस पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं तो दोनों एक हाथ में एक गीत है, और ऐसी जगह खड़ा होना पड़ता है ट्रैफिक ना हो, भीड़ ना हो, बस कभी मजा ना है ना कि नहीं, आप बताओ क्या है। और सब घूरते हैं, क्या होता है ट्विंस होना एक अपने आप में एक बड़ा बात है, और सब देखते हैं जैसे मंदिर में हो अभी हो, मगर ठीक है।